हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू टू एसके एलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन। हमने चैप्टर 3 में लास्ट वीडियो में समझा था प्लेइंग विद नंबर्स, जो चैप्टर का नाम है, उसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। ठीक है, सबसे पहले समझा था DMAS का रूल। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बाई DMAS रूल। अब आगे क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं जिनमें कुछ ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है, तो अब क्या सीखेंगे हम, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ब्रैकेट्स हमें क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। तो देखिए, अ फ्यू ब्रैकेट्स विच आर कॉमनली यूज्ड आर, कुछ ब्रैकेट्स होते हैं उनमें से कॉमनली ब्रैकेट जो यूज किए जाते हैं वो ये हैं। सबसे पहले राउंड और स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, राउंड बोलते हैं उसे या फिर स्मॉल, तो ज़्यादातर स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, तो आप स्मॉल ही यूज कीजिए। तो उसका सिंबल कैसे होता है, ये वाला। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि ये कैसा ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद द कर्ली ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट होता है क्योंकि ये मुड़ा हुआ है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट इसे बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद द स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो मोस्टली इसे बिग ब्रैकेट ही बोलते हैं, तो ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा सा बना हुआ है, दिख रहा है आपको ऐसे। और लास्ट वाला है बार ब्रैकेट, इस तरह से एक लाइन खींच दी जाती है, उसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, द ब्रैकेट्स आर यूजुअली पुट इन ऑर्डर एज बिग ब्रैकेट आउटर मोस्ट, देन कर्ली ब्रैकेट नेक्स्ट, देन स्मॉल ब्रैकेट एंड लास्ट में इनर मोस्ट बार ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें बताया है कि ये जो ब्रैकेट हैं वो किसी क्वेश्चन में किस तरह से रखे जाते हैं। तो सबसे पहले हमेशा सबसे बाहर जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहाँ बड़ा ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट यूज किया जाएगा, आउटर मोस्ट एकदम बाहर। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ये जो बिग ब्रैकेट है इसके जस्ट बाद आता है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आएगा स्मॉल ब्रैकेट और लास्ट में सबसे अंदर की साइड आएगा बार ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में इसको रखा जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे 6, तो सबसे पहले देखो बाहर, एकदम बाहर है ये बिग ब्रैकेट, फिर 20 लिखा हुआ है प्लस करके, इसके जस्ट बाद देखो कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है, और कर्ली ब्रैकेट के भी अंदर दिया हुआ है स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल के अंदर भी बार ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया कैसे इन ब्रैकेट्स को लगाया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।